ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या मामला है? पूरा अभियान जहाँ इकट्ठा ये चार जने का कब्रिस्तान था, ईसाई होगा, मुस्लिम का, नाथों का और बाल्मीकि समाज का, और ये चारों समाज पे जैसे इनका भी हिस्सा है, हमारा भी है, और ये हमारे हिस्से पे कब्जा कर रहा है। हमारा मतलब है कि जो भी कुछ है प्रशासन मिलके हमारे साथ जो भी न्याय करे, और ये बात प्रशासन ने बोला था कि हम इसको 20 दिन में निपटारा कर देंगे। प्रशासन ने आज तक निकाल नहीं करा, और ये फिर अपना नया जो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ जब तक दफनाएंगे नहीं जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है, पर ये नहीं मानते। इन्होंने उपयोग करा है कि हमने इन्होंने कब्र खोदी थी, कानून का उल्लंघन करा इन लोगों ने, हमने नहीं करा, इन्होंने करा उल्लंघन। इसके पहला भी एक दो बार दफना गए, हमें मालूम नहीं पड़ी थी, अब हमें मालूम पड़ी कि भैया वापस दफनान चालू कर दिया। लंबे समय से मामला उलझा हुआ है, लंबे समय से उलझाना है। ये तो इन्होंने बोर्ड लगाए थे, हमें मालूम पड़ी थी कि भैया इन्होंने हमारा कब्रिस्तान पे कर लिया। ये तो दफना से हमें तकलीफ नहीं थी इन लोगों से, पर इन्होंने बोर्ड लगा कब्जा ही कर लिया था कि हमारे ही है, और हमारी चीज पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। अभी क्या कहना है फिर? अभी हमारा कहना है कि वहाँ दफना लो, कानून कायदे के हिसाब से आप जो भी जो जिसका फैसला कानून कर देगा वो मान दे रहेगा। स्टेज पे मामला चल रहा है, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यथास्थिति का मतलब होता है कि यथास्थिति में महल बना लिया गया, कुछ भी नहीं होगा। मुकेश सांगते तो प्रशासन ने मंसूरी समाज की हाट पिपलिया की मैयत को प्रशासन लेके जीपीसी से गड्ढा खुदवा के हमारे मंसूरी समाज को खड़े रख के और उस कब्रस्तान में दफनाया इनने खुद ने। अभी कोरोना के टाइम में एक मैयत को हमारे उधर मोहसिनपुरे की उसमें दफनाया, प्रशासन खुद आई और यहाँ पे दफना के गई, जब हमारा कब्रस्तान है ये जिसमें हमारे चार समाज का वोट लगा हुआ वो हिड़वा दिया। अभी अभी में महाराज जी के और विधायकों के यहाँ पे शिलान्यास के पत्थर लगे हुए हैं, अंदर मकान और कमरे बने हुए हैं जिसमें सारा लिखा हुआ है किस किस के सही हो। नगर निगम की प्रशासन के द्वारा पूरी बाउंड्री हमने बनवाई, प्रशासन ने पैसा दिया। क्या मंसूरी समाज? मंसूरी समाज और घोसी समाज, चूड़ी वाले, मेवाती, 17,903 वर्ग मीटर जमीन सार्वजनिक मुस्लिम कब्रस्तान के नाम से नजूल में 1972 से दर्ज है, और उसके पहले भी 1950 से पहले भी यहां पर सिर्फ मुस्लिम कब्रस्तान ही हुआ करता था, और अभी भी है ये तो अभी। और ये पेपर सारे, ये अभी मेन चीज एक ये है, यहां पर एक अंदर अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण का ऑर्डर ये मेरे पास है, ये देखो आप इसका साठ लो, ये 26/9/2012 का ऑर्डर है तहसीलदार का, जो अंदर एक अतिक्रमण झोपड़ी बनी हुई है, इसको आज तक प्रशासन नहीं हटा पाया। 2024 हो गए, 8 साल हो गए। किसकी झोपड़ी? ये साकिर अली दीप की है, ये अभी तक के अतिक्रमण, और ये जो जितनी भी ये आपकी व्यवधान पैदा हो रही है वहाँ पर सब गलत काम होते हैं, और उसको रोकने के लिए ये सपोर्ट में सारे काम कर रहे हैं। ये कागज नजूल का ऑर्डर है, कलेक्टर का ऑर्डर है, नजूल कलेक्टर तो गलत ऑर्डर नहीं करेगा, 1972 का ऑर्डर है, आज 1972 से आज तक कुछ भी नहीं, बस वहाँ बैठ गए ये, और ये जो आप देख रहे हो वही हो रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं है, नहीं है ना, आज तक नहीं है, 1950 से बात की, ये कागज है ना मेरे पास, ये रखा हुआ, ये नहीं है ना, नाथ संप्रदाय पीछे 82 में सर्वे नंबर 82 में है, आज भी स्थापित है वहाँ पर, और ये जो चर्च है ये है सर्वे नंबर 81 पहले चर्च, और ये जमीन अगर सर्वे नंबर से नपेगी तो ये आधी जमीन भी नहीं है। मामला भी न्यायालय अभी में अभी भी ये जो दुकान है सामने ये भी कब्रिस्तान की जमीन है, न्यायालय में है क्या मामला? भी न्यायालय में है ना, ट्रिब्यूनल में चल रहा है, और कलेक्टर ऑर्डर। आप किस चीज का स्टे लेकर आए थे? हम तो केवल दिया गया था ये बोर्ड हटाने के लिए, इन लोगों ने करा था उस पे स्टे, इसका टाइटल नहीं बदला जाएगा। आप क्या समाज यहाँ पर वकील हैं? हाँ मैं वकील हूँ, शाहिद मंसूरे। इस पे उनका ये जगह है जिसमें कि अपना अपना हक जताया जा रहा है, संबंधित SDM साहब ने इसको निर्देशित किया है यथास्थिति रखाने के लिए, और जिसपे कि आगामी दिनों में सुनवाई करके इसको स्पष्ट किया जाए। सर लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, बार बार स्थिति बन रही है, करना उचित नहीं है, माननीय न्यायालय शरण जाके उसका डिस्पोजल होगा। पूर्व में आपके द्वारा समझाइश दी गई थी, थैंक यू, समझाइश दी गई है सभी लोगों ने, जब तक डिसीजन नहीं आता जब तक परिस्थिति क्या रहेगी, जब तक निर्णय नहीं होता तब परिस्थिति क्या रहेगी? कि SDM कोर्ट से लिखित आदेश होगा वैसा अवगत कराया जाए। ठीक, थैंक यू। पूर्व का एक विवाद था जो कि पूर्व में आपके द्वारा समझाया गया था, आज किस तरह का मसला निकला पूरा है? डेड बॉडी को दफन करने के लिए था, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उनको अन्यत्र जाने के लिए कहा गया, उस लोग के रूप में वो अन्यत्र गए हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो और दस्तावेज देख के निर्णय लिए जाएंगे। दोनों पक्षों को समझा के
सुलह का रास्ता निकाला जाएगा इस मसले का, इसका समाधान निकाल सर। पूर्व में भी कई बार विवाद की स्थिति सामने आई है सर, घर में भी आता रहता है, दो लोग रहते हैं तो विवाद की स्थिति। तीन चार घंटे तक शॉर्ट आउट होता रोड पर, शॉर्ट आउट हो गया, ऑल इज वेल।